आप अभी कल रात इतना कुछ हुआ है, अब आपको सौम्या से क्यों मिलना है? आदित बेटा वो सब छोड़, हमारा सौम्या से मिलना बहुत जरूरी है। तू हमें सौम्या का पता दे दे, बस हम चले जाएंगे। अम्मा मुझे नहीं पता कहाँ है वो, कल रात से मेरी बात नहीं हुई है। अपने पेरेंट्स के पास गई होगी शायद। ओह अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, शालिनी जी का नंबर मंगल के पास है, हम मंगल से ले लेंगे और मिल लेंगे उनसे। जाओ बेटा तुम जाके अपना काम करो। अम्मा मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के पास ना गई हो, उनकी बनती नहीं है, आपको तो पता है ना। तो क्या हो गया बेटा, सौम्या ऑफिस तो आती है ना, हम ऑफिस आकर उसे मिल लेंगे, है ना? पर हमारा सौम्या से मिलना बहुत जरूरी है। जाओ बेटा तुम जाकर अपना काम करो, हम चले जाएंगे। रुकिए ना अम्मा, मेरा काम भी हो ही चुका है, एक काम करता हूँ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा चलो। चलिए क्या हुआ? क्या हुआ लक्ष्मी? पानी पी के व्रत खोलो बेटा। माँ मुझसे पहले किसी और को व्रत खोलने की जरूरत है। किसे? कार्तिक जी माँ, इन्होंने भी तो व्रत रखा है और किसी को बताया नहीं, चुपचाप से रख लिया, इसीलिए तो कल इनका सरदर्द हो रहा था। लक्ष्मी तुम्हें कैसे पता चला? इसे कुछ भी नहीं पता, और तुम व्रत कैसे रख सकते हो? मेरे सामने तुमने खुद दवा खाई, पानी पिया, फिर कैसा व्रत? माँ कार्तिक जी ना बड़े चालाक है, इन्होंने हम दोनों को ही बेवकूफ बना दिया। कल जब हम रूम से बाहर गए थे तो मैं फिर गई थी रूम में, तब मैंने देखा माँ कल इन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, पानी की एक बूंद तक नहीं पी। कार्तिक जी लीजिए पानी पी लीजिए। तुम पी लो। हद है कार्तिक, अगर भूखे पेट तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। माँ इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वैसे भी लक्ष्मी ने मेरे लिए निर्जल व्रत रखा है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है उसके लिए व्रत रखने का। और शादी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ पत्नियां क्यों उठाए, पतियों को भी कुछ करना चाहिए उनके लिए, करेक्ट? अरे वाह कार्तिक, तुम तो बड़े रोमांटिक निकले, एकदम अपने पापा पे गए हो। मुझे ना अच्छे से याद है, भैया भी ना भाभी के लिए कुछ ऐसा ही किया करते थे, है ना भाभी? ये तो वही बात हो गई, जैसा बाप ऐसा बेटा। और जैसा बाप ने किया वैसा बेटा भी करेगा। लक्ष्मी इम्पोर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। और हाँ ज्वेलरी रखने के लिए तुम्हें बैंक जाना है ना? हाँ। तो साथ चलते 10 मिनट में। ठीक है। ओके। तुम्हें जरा भी समझ है या नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे लिए कार्तिक पूरा दिन पूरी रात भूखा प्यासा रहा, उसकी तबीयत खराब हो जाती तो
जब तुम्हें पता चला कि उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या सफाई देती मुझे? ध्यान रखना आगे से, उसके भले मन का फायदा मत उठाओ तुम। अम्मा अब तक घर नहीं आई है और मेरा फोन भी नहीं उठाया उन्होंने। टाइम भी बहुत हो गया, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो मंगल, मंगल हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अम्मा, हेलो अम्मा, अम्मा कुछ कह रही हैं क्या? अम्मा सौम्या, लक्ष्मी आज आपको मंगल भाभी से मिलने चलते हैं, बहुत दिन हो गया उनसे और बच्चों से मिले हुए। हाँ ठीक है, माने दीदी के लिए साड़ी भी खरीदी है, वो भी दे दूंगी। लक्ष्मी बार बार पीछे क्यों देख रही हो? गहने निकल के भाग नहीं जाएंगे? हार्दिक जी वो महंगे गहने हैं ना, थोड़ी नजर रहेगी तो अच्छा होता है, और लॉकर में रख देंगे फिर तसल्ली हो जाएगी। बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ये क्या, हमने क्या किया? सौम्या सौम्या, आंटी आप यहाँ? नमस्ते। हाय आदित्य। हाय। नमस्ते सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती है, मैं उसी के साथ रुकी हुई हूँ। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी हम आदित्य से तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ रह रही हो, क्या कर रही हो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। हम सौम्या जी को मिलने गई है। सौम्या कल हम बहुत गुस्से में आ गए थे, तुमने काम ही ऐसा गलत किया था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। बाद में हमने ठंडे दिमाग से सोचा और हमें लगा कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी पसंद की शादी करने के लिए किया, चाहे तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो या हमसे झूठ बोला हो, जो कुछ भी किया हो अपनी पसंद की शादी करने के लिए किया। खैर हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, और इसीलिए हम तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। सौम्या एक काम करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमसे मिला दो। देखो सौम्या अब देर मत करना, आज ही ले आओ अपने बॉयफ्रेंड को हमारे घर। पर क्यों आंटी? क्यों क्या, हम बात करेंगे उस लड़के से और तुम दोनों की शादी करवाएंगे। सौम्या अदित को क्या देख रही हो, जो कहना है हमसे कहो ना। ये करना बहुत जरूरी है, सबके शक दूर हो जाएंगे अगर इसका बॉयफ्रेंड आ गया तो। क्या हुआ सौम्या, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हो जाए? जी जी आंटी आप कह रही हैं तो ठीक है। बढ़िया है, तो आज शाम 7:30 बजे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेकर हमारे घर आ जाना। क्यों आदित बेटा, ठीक है ना? जी अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, ये आप और सौम्या के बीच की बात है। चलो अच्छा है, माता रानी ने चाहा ना तो सब सही होगा।